अखिल पद्मशाली समाज भिवंडी संस्था पिछले 20 दिनों से जरूरतमंद लोगों को समाज के संस्कृति भवन पद्मनगर में खाना बनाकर बांटा जा रहा है। रोजाना हजारों मजदूरों को दो टाइम मजदूरों को खाना देकर उनको सहायता कर रहे हैं अखिल पद्मशाली समाज भिवंडी। अखिल पद्मश्री समाज भिवंडी संस्था के अध्यक्ष वेमू नरसाया ने पत्रकारों को जानकारी दी है, पिछले 14 अप्रैल से हम लोग संस्कृति भवन में रोजाना दो टाइम का खाना बनाकर जरूरतमंद लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। अखिल पद्मशाली समाज को कुछ दानवीर लोगों ने अपना सहायता दिए है, उन सहायता के वजह से हम 3 मई तक खाना बनाकर जनता तक पहुँचा रहे हैं। 4 मई से अखिल पद्मश्री समाज भिवंडी संस्कृति भवन में कम्युनिटी किचन हॉल, जिस तरह से जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, वो बंद किया जा रहा है। भिवंडी मनपा ने किसी भी तरह का निधि व सहायता अखिल पद्मश्री समाज को नहीं दिया है। उनके आश्वासन से ही अखिल पद्मश्री समाज भिवंडी संस्कृति भवन में कम्युनिटी किचन चालू किया गया था, मगर भिवंडी मनपा किसी भी तरह का सहायता नहीं दिया है। उससे अखिल पद्मश्री समाज भिवंडी संस्था के अध्यक्ष और पदाधिकारी सभी लोग नाराज व्यक्त कर रहे हैं। गया महीना अप्रैल 14 तारीख को, उससे पहला 10-11 तारीख को हमको म्युनिसिपालिटी महानगर पालिका भिवंडी का उन्होंने अपने को पद्मनगर में पद्मशाली सांस्कृतिक भवन में किचन चालू करने के लिए पहला नंबर उसका नाम लिया और यहाँ किचन चालू करो, यहाँ गरीबों को खाना बांटा जाएगा और करके उन्होंने बैनर बना के सुबह शाम का खाना यहाँ मिलेगा करके हमारा समाज का तो कंपाउंड में बैनर लगाया और उसी माध्यम से हमको 13 तारीख को सुदाम यादव ने हमको 3 नंबर विभाग में बुला करके बोला है। हमारा कार्याध्यक्ष भी हमारे साथ में था, युवक मंडल का अध्यक्ष भी था, युवक मंडल का सेक्रेटरी भी था, हमारा वाइस प्रेसिडेंट भी था अखिल पद्मशाली समाज का। हम सब वहाँ जाने के बाद बोला तुम्हारे यहाँ हम अनाज भेजेंगे और आप कल से खाना शुरू करो बनाना, क्योंकि बोलने से उनका उस उनकी बातों से और बैनर लगाने के वजह से फिर सरकार का अनुदान मिलेगा करके हमने 14 तारीख को सुबह में यहाँ खाना बनाना शुरू किया और गरीबों को बांटने शुरू कर दिया। सुबह में हुआ, शाम को हुआ, ऐसा फिर 2-3 दिन 4 दिन हमने समाज का तरफ से करते गया, फिर भी आज तक 20 दिन हो गया, 1 रुपये का अनुदान मिला नहीं है, लेकिन हम सुबह शाम में रोज़ 1800 से 2000 आदमी का खाना सुबह शाम में हम बांटते गया। सब गरीब कामगार, गरीब परिवार सबके लिए अखिल पद्मशाली समाज के तरफ से हम लोग खाना बांटते गया, यहाँ खाना बनाया, किचन बनाया, कहीं इधर किचन में खाना बनाते और यह हमको सहयोग दिया पद्मशाली समाज युवक मंडल और जैन मित्र मंडल सब पदाधिकारी हमारा सदस्य सब लोग ने हमको मदद किया और हमारा कार्याध्यक्ष भी पूरी तरफ से मदद कर रहे, हमारा कैशियर भी और सेक्रेटरी सब लोग, हमारा तीनों अखिल पद्मशाली समाज युवक मंडल और जैन मित्र मंडल सब का जो सदस्य और पदाधिकारी सब ने यहाँ मदद करके और परिजन भी मदद करके हमारा काम सफलता किया। आज 19वां दिन है, आज भी सुबह का खाना बन गया और कल सुबह शाम में हम खाना बनाएंगे और सबको जो जिस तरह का रोज बांटा जा रहा है वैसा भी कल का भी हम बांटेंगे। उसके बाद परसों 4 मई से हमारा किचन बंद हो जाएगा और हम उसके लिए सभी हमारा कार्यकर्ताओं को सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और इसी माध्यम से हम ये जो खाना बांटते गया इसके लिए हम ये संस्था जो काम कर रहा था हमारे लिए, हमारा जो पद्मशाली समाज का कई धनी लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और जो जो आदमी
उत्सुक लोग हमको बरगनी दीपने हमको सहायता करने से ये जो 20 दिन का हमने ये कोरोना वायरस का जो गरीब लोगों के लिए खाना हम लोग ने सुबह शाम एक टाइम नहीं है कोई संस्था एक टाइम दे रहा है, हम सुबह शाम में खाना बांटते गया।